मंचूरियन के बना रहे, पहले हम लोग मंचूरियन ट्राई करेंगे, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा और आपके आलू के पड़े। ये देखिए, तो मैम ने बताया कि पहले ये बॉम्बे में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, यहाँ पे 20 साल हो गए आपको। अच्छा, क्या बात, बच्चा खत्म हो गया या फिर बॉम्बे छोड़ दिया? बॉम्बे छोड़ दिया आपने। अच्छा, वैसे आपका घर है हमारा, हमारा बच्चा गुजर गया, ट्रेन से गिर गया, गिर गया। अच्छा, हम लोग छोड़ दिया। 20 रुपए में वेज मंचूरियन 9 पीस आपको मिलेंगे यहाँ पे। क्या बात है, देखिए एकदम गर्मा गर्म। बॉम्बे छोड़े, मेरा जवान बच्चा चला गया। हाँ, ये ना जाना सबको है, टाइम सबका फिक्स है ना, अपन रोक नहीं सकते। हाँ, मेरा बेटा सत्यकाल खवातीन हजरात, मैं और शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। आज हम लोग लेके जाएंगे आपको सूर सागर। सूर सागर में एक हार्डवर्किंग लेडी है जो कि दाल के बड़े बनाती हैं और वेज मंचूरियन वो लोग बनाते हैं, ज़बरदस्त बना रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बोला, आप हमेशा मुझे बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा है कि लोग भी सपोर्ट करते हैं, मुझे नई नई जगह बताते हैं। चलिए चलिए सीधा वहाँ चलते हैं सूर सागर। इनकी लोकेशन तो मेरे पास है, मतलब है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दें ताकि आप आराम से उनको नेविगेट कर सके। शॉप का नाम मेरे को पता नहीं है। हम लोग चलिए वहाँ चलते हैं, लेडी जो दाल के बड़े और मंचूरियन जो बना रहे हैं उनसे जाके मुलाकात करेंगे और वहाँ पे उनके दाल के बड़े और मंचूरियन ट्राई करेंगे। देखिए सूर सागर के अंदर ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे और यहाँ पे वो लेडी है जो दाल के बड़े और मंचूरियन बनाती है। वहाँ देखिए आगे जाके ये बस 5-10 मतलब कुछ 500 मीटर है यहाँ से पेट्रोल पंप से। चलिए अंदर चलते हैं, अंदर आएंगे तो एक पेट्रोल पंप और आएगा, यहाँ से फिर हम लोग अंदर जाएंगे। यहाँ आगे तो यार ये लगा हुआ है सब, क्या बंद है क्या? माशाल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक लेडी है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ओम साई राम के नाम से उनका स्नैक कॉर्नर है सुरसागर पे। इनकी लोकेशन है, देखिए एकदम गर्मा गर्म ही है। क्या बना रहे मैम आप? मंजूर बना रहे। क्या नाम है आपका? मंजू गुजर साहब। काम कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ पे तो मेरे को 5-6 साल हो रहे हैं, बॉम्बे में 20 साल से लग रहा है। अच्छा, बॉम्बे से 20 साल से काम करते हैं। तो मंजू रोमावली में अपन यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं? दाल के पकोड़े, मंचूरियन जी जी, और आलू के पकोड़े। आलू के पकोड़े क्या भाव से दे रहे हो? 50 रुपए पाव। और ये ब्रेड पकोड़ा? 15 रुपए का एक पीस। और ये वेज मंचूरियन? 20 रुपए ना। तो हमारे लिए एक तो वेज मंचूरियन आप बनाओ, अभी आप क्या बना रहे हो? वेज मंचूरियन ही बना रहे हो ना? देखिए कितना अच्छा काम कर, गर्मा गर्म मंचूरियन के बना रहे। पहले हम लोग मंचूरियन ट्राई करेंगे, उसके बाद ब्रेड पकौड़ा और आपके आलू के पड़े। ये देखिए, तो मैम ने बताया कि पहले ये बॉम्बे में काफी टाइम से काम कर रहे हैं, यहाँ पे 20 साल हो गए आपको। अच्छा, क्या बात, बच्चा खत्म हो गया या फिर बॉम्बे छोड़ दिया? बॉम्बे छोड़ दिया आपने। अच्छा, वैसे आपका घर है हमारा, हमारा बच्चा गुजर गया, ट्रेन से गिर गया। अच्छा, हम लोग छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया। आप कहाँ, जोधपुर से वैसे? मेरा प्योर है, समदड़ी में। समदड़ी में? हाँ, मेरा भाई मामा सब जोधपुर में रहते, 5 साल। अच्छा, हम लोग इतना दूर से आए सिर्फ आपके ये मंचूरियन ट्राई करने के लिए। मजबूरी से, मैं तो स्कूल के पास, धंधा है हमारा। हाँ, धंधा आपका? अच्छा, ये वाला मजबूरी? हाँ, बॉम्बे में 30-40 का प्लेट बेचते हम लोग, इधर 20 में बेचते हैं। 20 रुपए में मंचूरियन की प्लेट आपको मिल जाएंगी। कितने पीस आएंगे उसमें? 9 पीस आएंगे। 20 रुपए में वेज मंचूरियन 9 पीस आपको मिलेंगे। क्या बात है, देखिए एकदम गर्मा गर्म। बॉम्बे छोड़े, मेरा जवान बच्चा चला गया। हाँ, ये ना जाना सबको है, टाइम सबका फिक्स है ना, अपन रोक नहीं सकते। हाँ, ये हमारा वेज मंचूरियन तैयार होने वाला है। ये वैसे इनकी लोकेशन है सुरसागर के आसपास, नंबर इनके मैं दे दूंगा आपको ताकि आप आराम से यहाँ पे आ सकें। अपने घर से तो बहुत दूर पड़ता है यार। हाँ, एक ही बच्चा आपका, ऊपर वाला उसकी जिंदगी लंबी करे। मेरे पास कुछ नहीं है, घर बार है, भाई था, भाई चला गया। ये भगवान आपको खूब देगा, आप बेफिक्र रहो। देखिए यहाँ पे जैसे अभी हमारे मंचूरियन ट्राई हो रहा है, ये देखिए, ये इनका शेजवान सॉस। ये आप, ये आपने क्या मकान में बनाते हैं, घर भी बनाते सब? देखिए सब इनकी कटिंग वटिंग सब यहाँ। टाइमिंग क्या अपनी वैसे यहाँ पे? 5:30 बजे शाम को, 5 से लेके रात को 10-10:30 तक आंटी यहाँ पे आपको मिलेगी। और देखिए सारा काम अपने हाथों से ये कर रहे हैं और इससे पता चलता है। हाँ, घर भी बनाते सब लोग। नहीं,
ये मंचूरियन रेडी हो चुका है। अभी ग्रेवी डाल के आपको, अब इसमें ग्रेवी डालेंगे, हमारे साथ डालना कहाँ है ग्रेवी का है? अभी मैं डाल के। अच्छा, आप यहाँ डालेंगे इसको क्या बात? देखिए गर्मा गर्म 9 पीस कितने में? 20 रुपए में 9 पीस मंचूरियन आपको मिलेंगे। देखिए अब इसमें शेजवान सॉस चली जाएगी, ये देखिए थोड़ा बहुत पत्ता गोभी, क्या डाला आपने? सॉस। अब इसको मिक्स कर देंगे पूरा। ये देखिए हमारा 20 रुपए में 9 पीस मंचूरियन ट्राई हुए। ये चीज आपको ट्राई करनी तो आपको ओम साई राम स्नैक्स पाना पड़ेगा। सुरसागर पे इनकी लोकेशन है, लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। ये देखिए ये हमारा मंचूरियन तैयार है। ला भैया इसको ट्राई करेंगे, फ्रेश मंचूरियन है वो ट्राई करेंगे, गर्मा गर्म आपके सामने निकला है देखिए। और 20 रुपए में 9 पीस। जोरदार यार, पत्ता गोभी इन्होंने इसमें डाली है और जो भी वेजिटेबल यूज किए हैं तो एकदम टॉप क्वालिटी के हैं। बिल्कुल देखिए एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। ये तो खाके मजा आ गया मेरे को, बहुत जोरदार। मक्के खिलाओगे? अब आंटी कह रही है कि आपको ये सैंडविच खिलाएंगे, पूरा खत्म करता हूँ उसके बाद सैंडविच ट्राई करूँगा। अब हम लोग इनका सैंडविच पकौड़ा ट्राई करेंगे। ये देखिए पहले ही बैठा है, ये तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब 20 रुपए में आप जो तेज दे रहे हो ना, वाकई में काबिले तारीफ है। बस वही पब्लिक खुश होनी चाहिए, पब्लिक खुश होगी तो आपको दुआएं भी बहुत देगी। नहीं ये देखिए हमारा ये सैंडविच पकौड़ा ट्राई हो रहा है। ये कितने का? 15 रुपए में। नवरात्रि में जाने वाले हम लोग। अच्छा वापस आएंगे आप नवरात्रि? गणपति में जाएगा, गणपति देवी में जाएगा, हमारे रूम का कुछ करके आएगा और इधर इसको भाड़े पे देके आएगा। भाड़े पे देके आओगे? हमारा सैंडविच पकौड़ा भी तैयार हो चुका है। आप दाल से बनेंगे? कट करेंगे भाई, ये 15 रुपए का एक पीस है। देखिए कट कर दिया इसमें, इसमें आलू की स्टफिंग है, इसमें बटाटे हैं और बेसन के ऊपर इसमें घोल लगाया हुआ है। और ये देखिए इनकी शेजवान चटनी जो ये घर पे बनाते हैं। ये चीज़ यार मैं वाकई कहता मंचूरियन तो वाकई में लाजवाब था, मज़ा आ गया। अब हमारा सैंडविच पकौड़े की बारी है। सैंडविच पकौड़ा उसकी देखिए अंदर आलू की स्टफिंग है, ऊपर उन्होंने पूरा वो बेसन का इसमें घोल उन्होंने लगाया हुआ है और प्याज की कटिंग और ऊपर शेजवान की चटनी। आलू की बाकी 15 रुपए में आपको ये चीज़ दे रहे हैं और 20 रुपए में 9 मंचूरियन आपको दे रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं। मंजू जी इसके बाद आप क्या ट्राई करेंगे? हम लोग दाल के पकौड़े बनाते हैं, मैंने लेकिन पहले खा लूँ ये, इसके बाद फिर जी अब आप हमारे मूंग के दाल के पकौड़े निकाल दो हमारे लिए। ये क्या हिसाब से? ये 60 रुपये पाव। 60 रुपये पाव है। एकदम गर्मा गर्म पकौड़े। इनके नंबर हम लोग आपको दे देंगे क्योंकि आपको कहीं अगर आप वहाँ से आएंगे तो बहुत मुश्किल से आपको लोकेशन मिलेगी। सुरसागर के अंदर आना पड़ेगा आपको पूरा, तो ये आपको पूरा गाइड कर देंगे कि आपको ये चीज़ आपको कहाँ मिलेगी और 5 से लेके रात को 10:30 तक।
डाल दी ना इसमें बस जी, उड़द का दाल भी डाल। अच्छा उड़द की दाल भी डालते थोड़ी बहुत। चार बजे तेल लेकर आती, साढ़े पाँच बजे लगा दे, काम कोई लगा दे। तेल की जो क्वालिटी थी एकदम साफ, एकदम नीट एंड क्लीन तेल है, देखो क्या बात। हाँ जितना तेल चाहिए उतनी डालते हो। हाँ ज्यादा वेस्ट नहीं करते, काला तेल हमको बिल्कुल पसंद नहीं खाते हैं। मतलब टॉप क्वालिटी और एकदम रीजनेबल प्राइस में। ये देखिए हमारे दाल के पकौड़े रेडी हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेड का पकौड़ा खाया, हम लोगों ने मंचूरियन ट्राई किया और अब लास्ट में हम लोग ट्राई करेंगे इनके दाल के बड़े। ये देखिए हम लोगों ने दो चीज़ें ट्राई कर ली, आपको रिव्यू भी दे दिया है और अब हमारे दाल के बड़े की बारी है। ये वैसे उड़द की दाल के सॉरी मूंग के दाल के होते हैं, इसमें इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत उड़द की दाल भी मिक्स की है ताकि थोड़ी बहुत क्रिस्प ज़्यादा हो जाए। ये इनकी घर की शेजवान चटनी, ऊपर से ये प्याज और ये बड़े हमारे रेडी है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। यार देखिए ये दाल के बड़े क्रिस्पी, देखो कितने ये क्या बात है, अंदर से एकदम सॉफ्ट। चलो उसको ट्राई करते हैं यार। वाकई में आपको यहाँ पे आना चाहिए मंजू जी के यहाँ पे, इन्होंने वाकई में मुझे जो मंजू ने टेस्ट कराया ना वो वाकई में काबिल तारीफ है माशाल्लाह। चलिए ये ट्राई करते हैं। मजा आ गया। साठ रुपये के पाव दिए इन्होंने और वाकई में जो मैम जिस हिसाब से इन्होंने इंग्रीडियंट यूज़ किए हैं और सारे जो मसाले इन्होंने यूज़ किए हैं उससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके फिर एंड में जाके हम लोग पूरा वीडियो ख़त्म करेंगे। हमारे को बहुत पसंद आई, सबसे अच्छा तो मुझे मंचूरियन लगा। उसके बाद जो दाल के बड़े में आपने जो वो लौकी मिर्ची की जो थोड़ी बहुत वो तेज़ी आई ना, उससे और उसका टेस्ट ज़्यादा हो गया। बाकी मैं आप लोगों को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए माशाल्लाह। हम इनकी लोकेशन वैसे ये गूगल मैप्स पे नहीं है लेकिन मैं बना के कैसे ना कैसे लोकेशन इसकी इनकी डाल देंगे ताकि आप कहीं से भी आए तो आराम से पहुँच जाए। इनके नंबर भी उसमें डाल देंगे ताकि फिर ही मिले तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकें। चलिए बस यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और आप सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।